आज के मैच पे जाने से पहले कल हुआ एक मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाला बिल्कुल कंट्रास्ट था दोनों टीम्स में। मतलब एक तरफ मैं कराची किंग्स की बात करूं तो कराची किंग्स सीम्स विदाउट अ प्लान, एक ऐसी टीम जो कि बस आई है और सिर्फ अपना अनकॉल्ड अग्रेशन दिखा रही है, ना परफॉर्मेंस से मगर अपने एटीट्यूड से। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी सॉर्टेड टीम थी और इतना मतलब फ्रॉम द वर्ड गो लग रहा था, हर किसी को पता है कि उन्होंने काम किया। देखें इस्लामाबाद कराची ने जिस तरह टूर्नामेंट शुरू किया है, अगर आप देखें तो उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेज। अब 12 मैचेस के अंदर 11 मैचेस हारना, आई मीन कोई बाकी सीरियस इश्यू होगा उसके अंदर, तो मसला है। आई मीन कि ये रिजल्ट निकल आ रहे हैं तो ये तो देखिए जी, हम तो बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन असल तो उन फ्रेंचाइज और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको सॉर्ट आउट करे कि आखिर इशू आ क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके अंदर जो जिस तरीके से इस्लामाबाद खेल रही है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ और एक ही माइंड सेट है उनका, जिस तरह मिसबा ने भी लास्ट टाइम इसको मेंशन किया था, उनकी एक ही अप्रोच है जो कि पॉजिटिव अप्रोच है और वो ही होनी चाहिए। वो चीज कराची की टीम के अंदर नजर नहीं आ रही, वो चीज। एब्सोल्युटली, जल्दी से इस मैच की समरी पर हम नजर डाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, फिर हम अपने लाहौर की तरफ भी जाएंगे। और सिलसिला क्या हुआ जी, कराची किंग्स ने की पहले बैटिंग, और पहले बैटिंग करते हुए वेल ऑलमोस्ट अ पार टोटल और परहैप्स बिलो पार, 173/7 हाईएस्ट रन गेटर रहे हैदर अली, जिन्होंने 45 गेंदों पे 59 रन बनाए। गुड टू सी हैदर अमंग सम रन्स, एंड शर्जील खान जो कि पिछले गेम में सिफर पर आउट हुए थे, इस मैच में उन्होंने 34 रन बनाए। इसके अलावा एंड में कुछ कैमियोज जरूर थे, लेकिन फिर भी 173/7 वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ। अगर हम बॉलिंग की बात करें, रुमान रईस, कल काफी तफसील से हमने प्रोग्राम में इनके हवाले से बात की थी, वो सो गुड टू सी हिम परफॉर्म यस्टरडे, दो विकेटें हासिल की 26 रन देकर। इसके अलावा मोहम्मद वसीम और टॉम करन ने भी दो दो खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शायद जिस वक्त 21 रन पे दो खिलाड़ी आउट हुए थे, उस वक्त लग ये रहा था कि कराची किंग इज इन द गेम, लेकिन उसके बाद रासी फान डर ड्यूसन वाज मेकिंग हिज डेब्यू फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड यस्टरडे, और कॉलिन मनरो की अच्छी पार्टनरशिप रही, और रासी आउट हुए 31 रन बनाकर, कॉलिन मनरो तकरीबन आखिर तक गए 58 रन थे। लेकिन गालिबन कल की जो एक वन ऑफ द मोर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज यस्टरडे वॉज बाय आजम खान, 28 गेंदों पर 44 रन उन्होंने बनाए और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड तक वो रहे। सो इस मैच इस टारगेट को बआसानी 18.2 ओवर्स में पूरा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दो विकेटें हासिल की, आमिर ने दो, मूसा ने, और एक विकेट मिली इमाम को, इमाद को, सॉरी इमाद काफ़ी माइजर जो है वो इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए, कप्तानी वाली बॉलिंग की बट द टीम वाजंट अप टू इट। मिसबा आप पर जाते हैं, ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे हैं अप्रोच का डिफरेंस और ये सब चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है कल के मैच में जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है, ज़ाहिर है मोहम्मद आमिर इस वक्त वो रेडार के अंडर है, वो स्पॉटलाइट के अंडर है, उनका एटीट्यूड ऑफ द फील्ड बयानात और ये सारी चीज़ें, कल उनके ऑन द फील्ड एटीट्यूड भी अगर आप देखें कि वो एक बच्चे को, एक इमर्जिंग कैटेगरी के बच्चे को आउट किया जाता है, फिर वो कुछ इशारे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिसबा आपकी क्या असेसमेंट है मोहम्मद आमिर के इस एटीट्यूड के हवाले से? देखिए ओवरऑल मैं समझता हूँ अगर मैच की परफॉर्मेंस और बॉलिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आमिर और इमाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने कल, वो जो एक्सपेक्ट करती है कराची उनसे वो चीज़ नज़र आई। और बॉलिंग में अगर आपके ये अग्रेशन ना हो, आप मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, यही मेरे ख्याल में कराची भी चाहती है आमिर से और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्राइक बॉलर हैं तो उनको ऐसे ही बॉलिंग करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक आपकी बात एग्रेशन की है तो ज़रूर आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए यंग प्लेयर के सामने खामखा कोई ऐसा इस किस्म की चीज़ करेंगे, कंट्रोल्ड एग्रेशन अगर उसमें डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट ना हो तो वो मेरे ख्याल में क्रिकेट की खूबसूरती होती है, मज़ा भी आता है उस चीज़ का, वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल द वे बोथ इमाद और आमिर ने जो बॉलिंग की है मेरे ख्याल में उनके साथ किसी ने नहीं दिया। और कराची का जो इस टाइम सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनके पास ओवरऑल हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, एक टीम की बात करते हैं, उस तरीके से हर जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना एक T20 टीम की वो नहीं है। इस्लामाबाद को देखें, T20 में वो सिर्फ एक जो है वो एंकर खिलाते हैं और वो एंकर भी कम से कम 130 के स्ट्राइक रेट वाला होता है, जैसे वंदर डूसन कल खेले।
पहले इयान बेल खेलते थे, उससे पहले कहीं ना कहीं ये रोल थोड़ा सा मेरे पास होता था। बाकी जो पांच बैट्समैन हैं वो ऐसे हैं जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले हैं और उनके रोल डिफाइन है। टॉप में जो खेलते हैं वो उनका रोल डिफाइन है कि आपने 6 ओवरों में 60 करना है। जो नीचे से जैसे आजम खान को उन्होंने लिया, बड़ा सोच के लिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो नंबर 6 पे आसिफ को वो नहीं जाने देते डिस्पाइट के उसकी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेज होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी नंबर 6 पे उससे ख़तरनाक कोई प्लेयर नहीं है या मैच विनर नहीं है। ओके फाइन, 5 में से 1 या 2 मैच तो जिताएगा ना, तो वो उसको उन्होंने रखा हुआ, फहीम को रखा हुआ। ये चीज़ कराची में लैग कर रही है। आप देखिए शुएब मलिक, आपने रोल चेंज कर दिया, शुएब मलिक को आप एंड के ओवर्स में ले गए, हालांकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, उसको 4 पे ही आना चाहिए ताकि वो गेम को कंट्रोल कर सके, थ्रू वो पूरे ओवर्स खेल सके। फिर इमाद को आना चाहिए, वो भी यही गेम कर रहा है, तो 5-4-5 इन दोनों को खेलना चाहिए। आप वेड के चक्कर में सारा आपने अपना बैटिंग ऑर्डर और अपनी टीम को जो है वो पिछले मैच में जो आप खेले वो ख़राब कर दिया। या तो वेड को ऊपर खिलाएं या उसको एज अ फिनिशर जैसे ऑस्ट्रेलिया यूज करती है नीचे लेके आए। जब आप इतनी ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। और दूसरा ये कि आपकी बॉलिंग, आपकी बॉलिंग में 2 बंदों के अलावा आपके कोई एक्स फैक्टर नहीं है। आप जब 3 बॉलर आपके स्ट्रगल कर रहे हो और पता ही नहीं कि उनको कहाँ पे बॉलिंग करानी है हमने, तो फिर आपके लिए पिछले मैच में भी 200 हो गया, कल के मैच में भी 2 आउट करने के बाद बड़े आराम से इस्लामाबाद ने चेज़ करके साइड पे हो गया इस्लामाबाद, हालांकि वहाँ से इतना आसान नहीं था चेज़ करना। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें लग आती हैं। पहले अपनी टीम की फॉर्मेशन ठीक करें, तरतीब सही करें, उसके बाद आप कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं। इस्लामाबाद वॉज वे अहेड उसमें, अपनी प्लानिंग में और अपनी टीम पूरी ओवरऑल खिलाने में। राइट, बिल्कुल, प्लान का बड़ा इत्फ़ुकदान दिखा कराची किंग्स के साथ। बट लाला, जहां हम मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, हमें अभी रिसेंट पास में बहुत सारे एपिसोड्स हुए, सेठी साहब ने आते कहा कि आमिर को वापसी आना चाहिए। आमिर ने खुद अपने लिए एक प्री रिक्विजिट सेट किया कि BPL की परफॉर्मेंस और PSL की परफॉर्मेंस पे वो डिसाइड करेंगे कि वेदर वो रिटायरमेंट से वापस आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। बट सब सही है, ये जो अभी इस वक्त एटीट्यूड है, अग्रेशन है, जब तक फास्ट बॉलिंग अग्रेशन है वो सही है, बट जहाँ वो एक लाइन क्रॉस कर जाता है, आपको लगता है कि ये जो 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 फैंस फॉलो करते हैं उनके लिए भी डिसहार्टनिंग होता है? कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे इतने फैंस खिलाफ हो रहे थे कि ये क्या, किस तरह की बातें हो रही है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा काम डाउन। देखें, सवेरा भी जो मिसबा ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि फास्ट बॉलर के ऊपर एग्रेशन अच्छा लगता है, उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत यह है, अगर इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा या इमाम परफॉर्म कर रहा होगा, मेरी एक आदत है कि मैं इमाम को मैसेज करूंगा या कॉल करूंगा या और दूसरे प्लेयर्स हैं, मेरी आदत है, मैं उनसे बात करता हूं। कोई भी इशू होता है, ये नहीं कि मीडिया पे बैठ के मैं उनको उड़ा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैंने मोहम्मद आमिर को मैसेज किया कल, एज अ बिग ब्रदर फिगर, आप भाइयों की तरह इज्जत भी दी है, डांटा भी है उसको मैंने। मैंने कहा आमिर क्या चाह रहे हो, इतनी आपने इज्जत कमाई है, सारा कुछ, आपने एक दब्बा लगा हुआ था उससे आप वापस आए हो, दोबारा क्रिकेट में आए हो आप, दोबारा जिंदा हुए हो आप, ये कहूंगा मैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, ये कोई तरीका है यार? जूनियर लड़के आपके सामने खेल रहे हैं, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी पे आपके फैंस देख रहे होते हैं, तो बुरा लगता है, क्योंकि हमसे भी पास में ये गलतियां हुई हैं कि मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कैमरा पकड़ लेता है, ठीक है, और लोग देख लेते हैं, फैमिलीज बैठी हुई होती है, बच्चे बैठे हुए होते हैं। एग्रेसिव अग्रेशन अच्छी चीज है, लेकिन कंट्रोल में रखो अपने आप को। अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो पाकिस्तान आपने बाबर आजम के साथ ही खेलना होगा। क्या आप उसके साथ कल आंखें मिला पाओगे, क्या उसकी अंडर कैप्टनसी में आप खेल पाओगे? तो अपने आप को कंट्रोल रखो और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, बाकी क्या कर रहे हैं ये आपका ताल्लुक नहीं है। बैट्समैन क्या कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी बॉलिंग करो, अच्छी परफॉर्मेंसेज दो और खामोशी से घर वापस जाओ। तो ये मेरी उससे बात हुई है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो अगले मैचों में आप लोगों को बेहतर से बेहतर नजर आएगा। रिस्पॉन्सिव था, यानी ठीक है, मान रहा था, उसने सॉरी की और शायद भी थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज नोट की और मुझे बताया। ये बात करनी पड़ती है, बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर पाकिस्तान के जूनियर्स को कॉल को ये बातें समझाना। मुझे याद है लास्ट टाइम शाहनवाज दहानी के हवाले से भी लाला का वो कमेंट बड़ा मशहूर हुआ था और उसके बाद से दहानी ने अपनी परफॉर्मेंस पे बड़ा फोकस किया, तो इंप्रूव हुई थी, ओवर सेलिब्रेशन वाली अगर आपको याद हो, भागता हुआ चला जाता था। बहरहाल जी।